इसलिए सपा बसपा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने आज की तिथि में जनता के आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम के कारण से कोई चुनौती नहीं है। हमने जो 5 साल में करके दिखाया है, आने वाले 5 साल में उससे बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, तो भाजपा है तो भरोसा है। 2017 के संकल्प पत्र के क्रम में हमने 92% जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसको 100% कंप्लीट कर दिए। 8% जो काम अधूरे रह गए हैं उनको भी पूरा करने की स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई पहले घोषणा पत्र का नाम देता था, लेकिन हमारे संकल्प पत्र के आधार पर जितना रिजल्ट देने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हमारी सरकार ने किया है, ऐसा इसके पहले किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया था। तो जनता के सामने इसी के को लेकर के विश्वास का माहौल है, इसी को लेकर के लोगों का भरोसा है। इसलिए गांव गली गलियारे में एक नारा लगता है, भाजपा है भरोसा है। तो हमारे किसानों की कैसे आय बढ़े, उनको कैसे अधिक सुविधा दिया जाए, तो जो नलकूप किसानों ने निजी नलकूप लगाए हुए हैं उसका बिल माफ करने का या उसको फ्री बिजली देने का एक निर्णय लिया गया है, जिससे सिंचाई के लिए मेरे किसानों को एक पाई खर्चा किए बगैर उनको सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। जो अपने खेत में वो पैदा करते हैं उसकी खरीद का प्रबंध किया गया है। जो गन्ना किसानों का है वो 14 दिन के अंदर भुगतान, और भुगतान में देरी तो ब्याज के साथ भुगतान, इसका प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। हर घर से कम रोजगार, चाहे वो सरकारी नौकरी हो और चाहे निजी क्षेत्र हो, कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार, एक व्यक्ति को कोई ना कोई काम उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जो मेधावी हमारी बेटियां हैं, बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का एक जो संकल्प है उसको लेकर के जो मेधावी बच्चियां हैं हमारी, उनके लिए तय किया गया है कि अगर वो अच्छे नंबरों से पास होकर के आती हैं तो उनको एक स्कूटी फ्री में देने का काम किया जाएगा। जो हमारी 60 साल से अधिक आयु की माताएं बहने हैं उनको उत्तर प्रदेश की परिवहन की जो बसें हैं उसमें निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने का काम किया गया है। तो ऐसे तमाम काम हैं जो हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। जो कागजी शेर के रूप में राजनीतिक दल है वो सपा है बसपा है कांग्रेस है, और ये कागज के ही दल रह गए। जनता के दिल में इन दलों के लिए कोई जगह नहीं बची। और हमारा जो रोड मैप है वो रोड मैप यही है कि हम उत्तर प्रदेश को सबसे विकसित प्रदेश बनाएंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश बनाएंगे कि यूपी के लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर के रोजगार खोजना ना पड़े, बल्कि दूसरे राज्य के लोगों को यूपी में आकर के रोजगार तलाश करना पड़े। उत्तर प्रदेश सबसे सर्वोत्तम प्रदेश बनने की सभी प्रकार की सामर्थ्य है। कहा जाता है ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो भाजपा है तो भरोसा है। धन्यवाद।